i tell me and i forget teach me and i remember involve me and i learn today is 31st of may 2022 we did it every day means every day we are going to talk about all these important topics quiz number 34 geography ke answers hain. in india which one of the following has the largest inland saline wetland the answer is rajasthan sambar namak विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज डिपोजिशन अगर सॉलिड वेस्ट का हो रहा है तो ये कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अराइवल टू द पैनामा कैनाल द आंसर इज दिस निकारा गोआ ऑड वन आउट इधर जो है ये तीनों जो करेंट हैं इसमें ऑड वन आउट है इन फोर करेंट्स में दिस इज ओशो करेंट ये जापान के ऊपर है सर्कल में नहीं है तिरुपति टेम्पल इज इन शेष चैलम हिल्स बायोस्फेर रिजर्व आज के सवाल हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट फाइनेंशियल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट पॉलिटी के क्वेश्चन हैं आज सबसे पुरानी फाइनेंशियल कमिटी का नाम क्या है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज सुप्रीम कोर्ट हैज नो एजुडिकेटरी ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्यूरडिक्शन नहीं होता है

पहला शब्द है प्रिसेप्ट प्रिसेप्ट का मतलब होता है नियम जनरल रूल इंटेंडेड टू तो रेगुलेट बिहेवियर और थॉट सैम्बलेंस सैम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलसी दिखावा डिफिडेंस का मतलब होता है संशय मोडेसिटी और शाइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस डिराइड का मतलब होता है उपहास करना एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर रिडिक्यूल एडामेंट का मतलब होता है हटी रिफ्यूजिंग टू बी परसुएटेड आर वोबुल वर्ड्स फॉर टूडे इम्पोर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन टाउन बिलो सी सेट का ये पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ट्राई टू रीड दिस पैसेज एंड आंसर दिस क्वेश्चन देन दीज आर टू क्वेश्चन ये दोनों सी सेट के क्वेश्चन हैं नंबर्स एंड दिस इज अबाउट बेसिक पे एंड You have to find the ratio. So these are two questions for today. Now let us come to 31st of May 2022, the Hindu Delhi edition. First news: this is a really good news. Women top civil services exam. Kaliske results civil services exams ke Shruti Sharma, Ankita Agrawal, and Gamini Singla secure first three ranks. This is really wonderful. टोटल 685 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है जिसमें 177 विमेन हैं ये रिकमेंड हुए हैं अभी कमीशन के द्वारा यूपीएससी के द्वारा फॉर अपॉइंटमेंट टू आईएएस आईएफएस आईपीएस सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में 73 ईडब्ल्यूएस हैं 203 ओबीसी है 105 शेड्यूल कास्ट है एंड 60 फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब है 244 कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के हैं सी दिस इज जॉय अनलिमिटेड एंड लुक द मैसेजिंग इज बिलीव ये जो एग्जामिनेशन है बिलीव दैट इट इज अ लॉन्ग चैलेंजिंग जर्नी एंड दैट ओनली दोज हु जेन्यनली हैव इंटरेस्ट इन द फील्ड शुड पार्टे इन इट सो दिस इज गुड जो टॉपर्स होते हैं इनका भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक करेक्ट मैसेज एक करेक्ट रोल मॉडल एंड करेक्ट करेक्ट एक डायरेक्शन दिखाएं फॉर दोज जो प्रिपेयर कर रहे हैं से अपकमिंग एग्जाम के लिए बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स होते हैं वो टॉपर्स की तरफ देखते हैं कि वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं क्या क्या वो सजेशंस दे रहे हैं अपनी जर्नी से क्या लेसन्स दे रहे हैं वो तो दिस इज अगेन देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एक करेक्ट मैसेजेस आगे फॉरवर्ड करें सो दिस इज विमेन टॉप सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड वन मोर थिंग सी ये जो एग्जाम है इस एग्ज़ाम में लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं दे ट्राई बट देखो नंबर कितने कम है 685 कैंडिडेट्स तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम होता है ना दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ ओके दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ एट द सेम टाइम सेम इन द सेम एट द सेम टाइम इट टेल्स इट टेल्स कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये कोई सर्टिफिकेट भी नहीं होता है दिस इज़ नॉट अ सर्टिफिकेट सो लाइफ इज़ अलॉट बिगर मच बिगर दैन दिस एग्जामिनेशन ये चीज़ भी हमें याद रखनी चाहिए कल मैंने इतने सारे स्टूडेंट से वन ऑन वन इंडिविजअल सेशंस किया आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो इतना पैनिक मत करो पैनिक करते हैं ना तो चीज़ें फिर हम संभाल नहीं पाते ये हमारे जजमेंट को इम्पैक्ट करता है स्टे काम स्टे काम स्टे फोकस्ड आप पे इतने अच्छे से मेहनत किया है बी सीसियर बी सिंसियर सेंसियरिटी इज़ अ गुड ट्रेड डू नॉट बी सीरियस सीरियस नहीं होना चाहिए डो नॉट बी सीरियस जस्ट बी सीसियर डू योर कर्मा यू विल गेट गुड रिजल्ट ओके सो दिस इज अबाउट दिस एग्जामिनेशन आज भी इंडिविजुअल सेशन्स कंटिन्यू रहेंगे अराउंड फाइव व सिक्स से आई विल स्टार्ट और लेट नाइट इलेवन ट्वेल्व तक आई विल कंटिन्यू आज भी मैगजिम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो इंडिविजुअल सेशन है वो आज कंडक्ट हो जाएगा ओके सो दिस इज दिस ये जो एग्जाम होता है ना अभी जैसे प्रिलिम्स भी आ रहा है प्रिलिम्स में बहुत जरूरी होता है कि यू जस्ट होल्ड योर नर्व्स एंड स्टे कम स्टे फोकस जो बेसिक्स अभी तक हमने डे वन से स्ट्रेटेजी फॉलो किया है उसी को आप कंटिन्यू करो इस बार भी कट ऑफ कितना गाया अराउंड 87 सेवन लास्ट टाइम भी 92 था डे वन से मैं आपको क्या बता रहा हूँ प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होने चाहिए प्री कंसीव नोशंस नहीं होने चाहिए पेपर को उसकी मेरिट के हिसाब से खेला जाता है इजी पेपर है सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन है कंजर्वेटिवली जो बनता है उसको सॉल्व करो अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए प्लस जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पी वाई क्यू जो प्रिलिम्स बैच को मैंने सॉल्व करवाए सारे गूगल मीट ग्रुप क्लासेज में उसमें मैंने आपको बताया पॉलिटी जोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये कोर सब्जेक्ट है अगर ये आपका अच्छा है नो मैटर वॉट कैसा पेपर सेट होगा आपके फिफ्टी परसेंट मार्क्स तो आ ही जाएंगे और कट ऑफ देखो इजीली क्वालिफाई होगा अगर ट्रिपल डिजिट आपके मार्क्स है सो द आइडिया इज वेल बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी भी वेल well बैलेंस्ड रखना है प्रिपरेशन भी वेल well बैलेंस्ड रखना है ओके दिस इज इंपॉर्टेंट अब दिस इज़ नेक्स्ट वन अब सी ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है दिल्ली पुलिस का शांति सेवा न्याय सेल्फ डिफेंस का मूव है फ्रंट किक टू ग्रोइंग एरिया सो ये लास्ट रिजॉर्ट मूव है टू तो क्रिएट एस्केप अपॉर्चुनिटी मैन का दिस एरिया इज़ वेरी सेंसिटिव सो अगर यहाँ पे आप हिट करो अगर ऐसा अन दिस इंसिडेंट है देन यू जस्ट हिट ओवर देयर एंड यू कैन एस्केप वेरी वेरी ईजिली इट पर्टिकुलरली बेनिफिशियल अगेंस्ट समबडी हुटॉल एस्पेशली इफ यू कैन नॉट रीच इस फेज फॉर पाम हील स्ट्राइक सो दिस इज सेल्फ डिफेंस सेल्फ डिफेंस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रंट किक सो दिस इज पेज नंबर थ्री नेक्स्ट इज पेज नंबर सिक्स दिस इज पॉलिटिकल दिस इज बॉर्न टू विन अब देखो बॉर्न टू विन आई पी एल में इतनी सारी टीम्स खेलती है बट कुछ टीम्स ऐसी होती है कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कुछ कैप्टन ऐसे होते हैं जो वो डिफ़िकल्ट मोमेंट आता है उसमें दे स्टे काम दे टेक द करेक्ट डिसीज़न और वो विक्टोरियस इमर्ज होते हैं तो सिमिलरली एग्ज़ाम्स भी जो होते हैं ना ये प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए आपको प्रेशर हैंडल करना चाहिए स्ट्रेस होने वाला है बट यू हैव टू लर्न टू हैंडल दैट स्ट्रेस और अंडर स्ट्रेस अंडर प्रेशर डिलीवर करना इज़ एन आर्ट जो सीखना चाहिए बॉर्न टू विन डिस्पाइट द ड्रॉप इन टी आर पी आई पी एल सीम सेट फॉर अ लॉन्ग रन विथ टॉप नॉच क्रिकेट इस बार थोड़ा आई पी एल का टी आर पी कम भी था हाइप भी कम था बट ओवरऑल इसने सक्सेस इसको माना जाता है ये कंटिन्यू रहेगा तो अभी आईसी ट्वेंटी वर्ल्ड कप देन सेलेक्शन तो एक्चुअली जो आई पी एल है ये प्लेयर्स का एक सेलेक्शन का प्राइमर भी माना जा रहा है कि जो प्लेयर्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको फिर नेशनल टीम में सेलेक्ट करना है लाइक like दैट तो दिस इज़ देयर अब एक इशू जो आईपीएल को अक्सर क्रिटिसिज्म होता है वो होता है ओवर्ड कमर्शियलाइजेशन सी कमर्शियलाइजेशन एज सच बैड वर्ड नहीं होना चाहिए कल आई वाज टॉकिंग टू वन स्टूडेंट एन एमबीए उसने बड़े अच्छे से एक व्यू पॉइंट बताया कि कमर्शियलाइजेशन एक्चुअली एज सच बैड नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर जब कमर्शियलाइज होती है चीज़ें जैसे आप देखो पहले क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर टीम इलेवन इंडिया इलेवन में नहीं आ पाता था तो कितनी डिफिकल्टी होती थी उसको ना कोई फाइनेंशियल देथ फाइनेंशियल असिस्टेंस होता था ना जॉब सिक्योरिटी होती थी देर आर सो मेनी डिफिकल्टी डिफिकल्टीज पर जब से आई आया है तो प्लेयर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि वो सी जो नेशनल इलेवन टीम है इसमें हर किसी को जगह तो नहीं मिल पाएगी इट्स अ फैक्ट बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इलेवन में नहीं खेल पा रहा वो बैड प्लेयर है नो no. उसके लिए भी एक प्लेस होना चाहिए तो इस आई ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से फिल कर दिया है सो so, कमर्शलाइजेशन जो है दिस इज़ नॉट बैड एज पर से बिकॉज इससे क्या होता है इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है स्पोर्ट्स ज़्यादा पिक हो रहा है ज़्यादा आप देखो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर शहरों में भी आजकल आई पी एल प्लेयर्स इतने अच्छे मिल रहे हैं सो कमर्शलाइजेशन इज नॉट बैड पर से बट ये रेगुलेटेड होना चाहिए एक सर्टन एथिकल एंगल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं होना चाहिए सेम इज़ द केस विद एजुकेशन एजुकेशन में भी अगर देखें तो इफ यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू डू सर्टन थिंग्स इन दी एंड आपको पैसे की जरूरत पड़ती है यू नीड सर्टन फंड नीड सर्टन मनी टू एग्जीक्यूट लॉट मैनी थिंग्स सो दैट इज वाई अगर इधर भी अगर फंडिंग का ऐसा कुछ इश्यूज होता है इट शुड नॉट बी टेकन इन अ रॉन्ग सेंस बिकॉज अ सर्टन कमर्शलाइजेशन अटन कमर्शलाइजेशन इज नॉट बैड परसन डोजेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट टू मीट इंडिया चैलेंजेस अब ये जो स्ट्रैटी है एम के नारायण साहब ने लिखा है यहाँ जो बात किया है उन्होंने वो ये बताया है कि आज की डेट में इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिया में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ये जो टॉपिक है ना ये सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर थ्री इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे प्रिलिम्स हो जाता है उसके बाद हम मेन्स का प्रिपेयर करेंगे बट फॉर नाव फॉर यहाँ जो प्राइमरली बात किया है वो पहले तो एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए जिसमें जो यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर में पैंडेमिक भी मान सकते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस भी मान सकते हैं सिक्योरिटी जो है ना आज की डेट में सबसे चैलेंजिंग जॉब हो गया है बिकॉज नॉन स्टेट एक्टर्स आर ऑन राइज तो टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से पॉलीफरेशन हो रहा है सारा जो नॉलेज है एक्सेस है वो सबके फिंगर टिप्स में सबके हैंड्स में मोबाइल में अवेलेबल है तो द पॉइंट इज जिस तरीके से डिसेंट्रलाइज हो गया है तो थ्रेट जो है वो भी डिसेंट्रलाइज हो गया है इसको किस तरीके से स्टेट ओवरकम करे इस फैक्टर को कैसे साइड लाइन करे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है सिक्योरिटी डिज़ाइन में तो जो शिफ्ट है वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो गए हैं इंडिया में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली इसको डिस्टर्ब करने की दिस कोशिश करता है सो दिस इज़ ऑल्सो वन बिग थ्रेट देन इसके बाद यहाँ पे वायलेंस देन जम्मू कश्मीर में अगर सिक्योरिटी लैप्स होता है तो ऑब्वियसली फिर उस एरिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पिछड़ जाएगा दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न की ग्रोथ डेवलपमेंट ये चीज़ इतना ज़्यादा दिस हिमालयन स्टेट में नहीं हो पा रहा है वाई बिकॉज ऑफ दिस लैक जो पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है बाय पाकिस्तान एंड उसके कारण जो डिस्टर्बेंसेज होते हैं अब एक दूसरा इंटरनल थ्रेट होता था माओिजम का जो पुअर गवर्नेंस के कारण प्राइमरली हुआ था तो ये फॉर्चुनेटली जो माओजम है ये ऑन डिक्लाइन है कल कुछ महीने पहले ही हमने देखा था जो रेड कॉरिडोर है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो इम्पेक्टेड है माओजम माओ से वो कम हुआ है उनका नंबर तो विच इज़ अ गुड थिंग Then इसके बाद पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट में भी इंसर्जेंसी जैसे इश्यूज आते हैं इसको राइट अवे कर्ब करना बहुत ज़रूरी है इंटेलिजेंस गैदर करें एंड सच थिंग्स शुड नॉट बी अलाउड थ्रेट इन साउथ भी है जैसे अभी श्रीलंका में फिर डिफ़िकल्टी आ रहा है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सो द आइडिया इज आज की डेट में इंटरनल थ्रेट्स भी हैं और एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं और स्टेट क्राफ्ट में सिक्योरिटी टॉप मोस्ट चैलेंज अभी बनता नजर आ रहा है नीडेड एजुकेशन डेटा दैट एंगेज द पुअर पेरेंट पेरेंट्स तो सी एजुकेशन में भी हमें क्या ज़रूरत है अफोर्डेबिलिटी हो एक्सेसबिलिटी हो अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी होना जरूरी है एजुकेशन में एजुकेशन जो फील्ड होता है इसमें एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है सर्टन एथिक्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज यू आर यू आर

एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एक प्रथम है एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे है बाकी एन भी ऐसी ट्रेनिंग्स ऐसे डेटा सेट कलेक्ट करता है तो अगर हम डेटा सेट की बात देखें तो जो लर्निंग आउटकम है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है हेम्पर हुआ है अगर हम देखें तो एनरोलमेंट ऑफ़ स्टूडेंट्स भी पैंडमिक के टाइम पे हिट हुआ है इंडिया में अराउंड 24 मंथ्स तक स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहे हैं दिस इज़ लाइक ह्यूज तो अब कंसेंसस ये है कि जो डेटा अवेलेबिलिटी है और जो बता रहा है कि जो सीवियर रेमेडी कोर्सेज हो एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को अच्छे से हम इनग्रेन करें हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज द फ्यूचर तो ये विजन है चिल्ड्रन और जो एनजीओज है इनका भी शुड लिसन टेक्नोलॉजी आगे बढ़े बाकी इसमें सर्टेन नेम्स हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान है या फिर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं ये एजुकेशन को डिसंेंट्रलाइज और रीच इसका बढ़ाने के लिए ये बड़ा अच्छा पैराग्राफ है ये बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिव सी एक लोकली रूटेड एजुकेशन विजन इज वन दैट इमर्जेस फ्रॉम सोशल एंड पॉलिटिकल कंसेंसस सी द वर्ड सोशल एंड पॉलिटिकल कंसेंसस चाइल्ड नीड्स अ स्कूल एजुकेशन वाई बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है कि ये बुक तो हमारे पास भी हम खुद ही पढ़ लेंगे एन सी आर टी के वीडियोज़ में अक्सर ये कमेंट आता है कि सर वी कैन ऑल्सो स्टडी लाइक दिस यस यू कैन बट यू हैव नॉट टिल डेट सो द पॉइंट इज़ अगर एक माहौल मिलता है टीचर के साथ अलॉन्ग विद पढ़ने का हो रहा है तो ये डेफिनेटली हेल्प करता है एन के जो वीडियोज़ हैं वो ऐसे इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं प्राइमरली तो उसका रीज़न एक टाइम कंस्टेंट था ये जो एन के वीडियोज़ हैं ना ये 2020 में बनाए थे और उस वक्त प्रिलिम्स एग्जाम जस्ट होने ही वाला था तो मुझे बैक टू तो बैक सारे वीडियोस बहुत रैपिड पेस में मैंने एक दिन में दो दो वीडियोस ऐसे बनाए वो सो दैट इज़ बाय उस टाइम पे क्विक अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है एन सी आर टी बुक को दैट वॉज द ओनली सुटेबल वे जो उस टाइम पे लगा सेकेंड जो एनसीआर टी वीडियोज है ना एन सी आर टी ऑलरेडी बहुत क्रिस्प है बुक इसको और ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं करना चाहिए जैसा लिखा हुआ है वो मोर देन सफिशियंट है मोर देन सफिशियंट एक्स्ट्रा कुछ जरूरत ही नहीं है समझने की मोर देन सफिशियंट है रेंज प्लस सर्टेन डेप्थ सो द आइडिया वॉज कि उसको अन नॉन डायल्यूटेड और नॉन टिंकर्ड फॉर्म में एज इट इज़ प्रेजेंट करना स्पीड से सो दैट वॉज दिस इज़ द रीज़न की एन टी वीडियोज़ आर लाइक दैट बट द आइडिया इज़ यस दीज एन सी आर टी बुक्स आर फ्रीली अवेलेबल बट अगर उसको हम ऐसे पढ़ते हैं टाइम पे पढ़ते हैं चीज़ें तो ज़्यादा रिटेंशन होता है आइडिया ये है कि यस yes, एजुकेशन हम होम स्कूल भी कर सकते हैं बट जो स्कूल एजुकेशन होती है प्रॉपर आप स्कूल जा रहे हो वहाँ पे पढ़ रहे हो सिस्टमेटिक पढ़ रहे हो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो दिस इज़ दैर अब बात ये आती है एजुकेशन का रेलेवेंस भी होना चाहिए लाइक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार किताबें पढ़ने से हम लर्न इट नहीं हो जाते हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी भी डेवलप होनी चाहिए एक्टिव सिटीजन है या नहीं है टॉप क्लास गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल का क्या मायने है तो ये जो चीज़ें हैं ना इन सब चीज़ों में पॉलिटिकल एक्टर्स सोशल एक्टर्स लोकल पॉलिटिक्स इन सब को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अजाइन होनी चाहिए नॉन फॉर्मल वंस जैसे कम्युनिटी लीडर्स हैं इनको भी अजाइन करना चाहिए रोपिन करना चाहिए सो दिस डज नॉट मीन दैट आइडियाज प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज फ्रॉम द नेशनल लेवल आर डिस्कार्डेड एज इलेवेंट एंड इलिटेस्ट ग्राउंड लेवल को इनकॉर्पोरेट करो बट इसका मतलब ये भी नहीं है नेशनल ऑल इंडिया लेवल की चीज़ें हैं उसको डिस्कार्ड करो फाइंड अ बैलेंस देन ऑन दी हैंड अ विजन ऑफ स्कूलिंग विल बैलेंस इमीजिएट टेंजबल पॉपुलैरिटी अंडरस्टैंडेबल ऑब्जेक्टिव सच एज सी डे वन से आई एम टेलिंग यू वर्क ऑन योर रीडिंग स्किल्स वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी लाइवलीहुड रेलिवेंट स्किल्स एंड नॉलेज आपको होना चाहिए केवल बुकिश नॉलेज से लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है ऑन दी अदर हैंड इट विल इंक्लूड लॉन्ग टर्म एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिव जैसे कि सी पीयर कनेक्शन नेगोशिएटिंग सोशल डाइवर्सिटी क्यूरियोसिटी फॉर न्यू नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस सी क्यूरियोसिटी क्यूरियस होना बहुत जरूरी है क्यूरोसिटी फॉर न्यू नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ओके सो so, ये जो चीज़ें हैं ये रिक्वायर्ड है और ये एक हॉलिस्टिक वे में स्टूडेंट में ये सारी क्वालिटीज इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ताकि ऐसा नहीं हो कि स्कूल कॉलेज का टॉपर फिर रियल लाइफ में फेल हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए सो द आइडिया इज कि स्कूल एंड कॉलेज को रेलिवेंट बनाए देन दिस इज ऑफ लंग्स ट्रीज एंड सिन स्टॉक्स यहाँ पे बात है टोबैको की दिस कंजम्पन को सिन बोला जाता है दिस इज सिन गुड बिकॉज टोबैको इज कैंसरस टोबैको जो होता है एनवामेंट पॉल्यूटिंग भी होता है तो द आइडिया इज टोबैको कंजम्पशन हम कभी भी एनकरेज नहीं करते हैं एक्टिव स्मोकर भी नहीं होना चाहिए और पैसिव स्मोकर भी नहीं होना चाहिए पैसिव मतलब आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हो साथ वाला कर रहा है आप सारा धुआं इनहेल कर रहे हो पैसिव स्मोकिंग भी रॉन्ग है 1987 में डब्ल्यू ने बोला वर्ल्ड नो टोबैको डे होगा इन इफेक्ट्स होते हैं टोबैको के पॉइजन करता है ये प्लानट को तो अभी अब यही बात है कि जो कंपनीज भी हैं ये डिस्करेज करें इसको एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन सिगरेट बर्ड्स पैकेजिंग पाउचेज ऑफ स्मोकलेस टोबैको इलेक्ट्रॉन जैसे अभी ई सिगरेट निकोटिन ये भी आने लग गया द आइडिया इज ये सब के सब पॉल्यूटिंग होते हैं ह्यूज एनवायरमेंट कॉस्ट होती है इसमें इल इफेक्ट्स जो हैं इसके वो वेल well नोन है टोबैको से टोबैको इज कैंसरस प्लस टोबैको एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर भी हो जाता है लाइक लुक एट द कॉस्ट जो सिगरेट्स एंड ऑल तो एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी है तो दिस इज़ ऑल्सो देयर तो इससे क्या हो रहा है एनवायरमेंटल लॉस भी हो रहा है तो द आइडिया इज़ ये जो कंपनी है कंपनी जो है इन पे भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जिससे हम अक्सर देखते हैं पैकेजिंग वगैरह अट्रैक्टिव नहीं रखते हैं इन सिन गुड्स का बिकॉज हम उसको एनकरेज नहीं कर रहे हैं डिसक्रेज कर रहे हैं कंज्यूमर्स को एजुकेट करो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एनकरेज करो इंसेंटिवाइज करो इंडस्ट्री को कि प्लान भी बचाना है लंग्स भी बचाने हैं सो सिस सी एस टी स्टूडेंट्स के स्कोर में ये स्टडी नेशनल अचीवमेंट सर्वे ने कहा है डेटा पॉइंट नॉट अप टू द मार्क जेंडर डिवाइड अर्बन रूरल डिवाइड अब सी ये रेडीमेड हेडिंग हैं जेंडर डिवाइड अर्बन रूरल एस सी एस टी स्टूडेंट अमंग में क्या क्या दिस वेरिएशन हो रहा है मार्क्स में मैपिंग द ड्रॉ तो दिस इज थर्ड प्लेयर एवर एंड यूक्रेन कोल यूजेज कम करना है टैक्स लगाए ऑयल कॉप्स में एंड हेल्पिंग हैंड अब सी दिस इज द स्टेटस ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इफ यू रिमेंबर जब से ये फरवरी से ये स्टार्ट हुआ रशिया का पूरा एपिसोड डे वन से जो हमने बात किया है वो सारी बातें अब देखो रियलिटी हो रही है तो दिस इज हाउ जो चीज़ें होती है जियो पॉलिटिक्स में कि जो बेसिक जो सब्सटेंस होते हैं हमेशा जो मीडिया आपको बता रहा होता है दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू हमने हमेशा जो बात किया वो बात किया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या स्टेटमेंट्स है अब सी रशिया इज़ अ सुपर पावर रशिया के पास काफ़ी स्ट्रेंथ है मिलिट्री माइट भी है ये यूक्रेन है रशिया ने ऑल दो सोचा था यूक्रेन को जस्ट लाइक दैट पूरा दिस हो जाएगा इनका स्पेशल मिशन बट वो वैसा टर्नआउट नहीं हुआ बिकॉज ऑब्वियसली यूक्रेन के बिहाफ में एक्चुअली नेटो फाइट कर रहा है नेटो यूक्रेन इज जस्ट अ फेस नेटो इसके बिहाइंड वॉर सप्लाईज इंटेलिजेंस एवरीथिंग तो यूक्रेन इज अ थिएटर यूक्रेन इज अ थिएटर तो इस पूरे वॉर में यूक्रेन का डैमेज हुआ है देर इज नो डाउट अबाउट दैट यूक्रेन सोर लूजर बना है यहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी देन ह्यूमन लाइफ का भी जो यूएसए है यहाँ पे क्लियर कट विनर हुआ है नेटो यहाँ पे दिस फाइनेंशियल गेन्स हुए प्लस जो पॉलिसीज है वो आगे पुश किया रशिया भी यहाँ पे एज सच बहुत बड़ा लूजर नहीं है रशिया के भी इंडिपेंडेंट बहुत सारे यहाँ पे गेन्स हुए हैं लूजर जो है यहाँ पे वो केवल यूक्रेन है बिकॉज वॉर का एक रूल होता है जहां वॉर होती है वो एरिया हमेशा लूजर होता है वो तो दिस इज यूक्रेन और इसीलिए जो यूरोप जिसने दो वर्ल्ड वॉर्स झेल चुका है वो वॉर के लिए कभी भी इतना ज्यादा हमेशा स्केप्टिक होता है वो इसको बहुत सिंसियरिटी के साथ इसको एस्केलेट करने की कोशिश में लगा हुआ है तो स्टेट ऑफ प्ले इन यूक्रेन आज की डेट में देखें तो यूक्रेन में रशिया के एडवांसेस हो रहे हैं रशिया प्राइमरली डोनबास रीजन कोल को अपने पास रखना चाहता था कोल यहाँ मिलता है यहाँ पे रशियन एथेनिसिटी के लोग हैं और लुहांस्क रीजन को भी अपने पास रखना चाहता था तो रशिया ने ये जो पर्पस था वो काफ़ी हद तक रशिया का सक्सेस होता नज़र आ रहा है प्लस ये देखो ये जो है सी ऑफ अजोव एंड ये है ब्लैक सी क्रीमियन पैनन्सूला पहले ही एनेक्स हो गया है और अब ये पूरा एरिया इस तरीके से रशिया आगे बढ़ रहा है तो रशिया क्या करेगा यूक्रेन को लैंडलॉक्ड कंट्री बना देगा ये पूरा सी कनेक्टिविटी ड्रॉप हो जाएगी तो देन एडवांटेज रशिया तो दिस इज द फिलहाल के लिए अभी जैसे डायलॉग्स की भी बात है कि पीस होना चाहिए यहाँ पे बिकॉज रशिया का जो आर्टिलरी है बहुत ज्यादा आर्टिलरी हो रहा है और जो पूरे शहर के शहर है वो लाइक फ्लैट होते जा रहे हैं यूक्रेन में तो रशिया जो है वो रशिया का यही कंसर्न है कि नेटो यहाँ पे प्रेजेंस नहीं होना चाहिए बिकॉज रशिया के बैकयार्ड में नेटो टॉलरेट नहीं करेगा रशिया ये रशिया का मैसेजिंग है अब सेंक्शंस लगाए रशिया में तो सी इस पर भी हमने पहले ही कहा था ये इतने इफेक्टिव नहीं होंगे बिकॉज़ ये जो रेस्पॉन्स है कोई भी लीडर होता है उसकी पहली प्रायोरिटी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस होती है अगर डोमेस्टिक ऑडियंस का सपोर्ट है तो वो लीडर स्ट्रांग है तो मिस्टर पुतिन को जैसे 82 टू परसेंट रशियंस अभी सपोर्ट कर रहे हैं तो जो पोजीशन है वो स्ट्रेंदन हो गई रशिया की सारे रशियंस यूनाइटेड हो गए सेकेंड जो चीज़ है इकोनॉमी में इतने कोई फेसेस नहीं आए डिफिकल्टी आया बट ऐसा नहीं है कि रूबल रबल बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं हुआ प्लस जैसे ऑयल है इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया कंट्रीज जैसे यूरोप अभी भी गैस का इंपोर्ट कर रहा है बिकॉज डिपेंडेंसी है इससे कॉमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहा है ऑयल गैस का प्राइसेस बढ़ रहा है एवरीबडी इज फेसिंग ही डिफिकल्टी हो रहा है तो रशियन गैस पे यूरोप डिपेंडेंट है प्लस कतर लिबिया के साथ भी डाइवर्सिफाई करने की बात हो रही है सो so, जर, जो जर्मनी है यूरोप है वो जस्ट लाइक दैट रशिया को साइडलाइन नहीं कर सकता है और वो वो अभी नहीं तो रशियन जो ब्लॉकेट है अभी देखते हैं क्या होता है प्लस रशिया एंड चाइना की प्रॉक्सिमिटी बढ़ती जा रही है तो इन सब को टोटेलिटी में देखें तो रशिया भी एज सच सोर लूजर नहीं है यहाँ पे अब डोनबास और लोहानस्क रीजन है जेलेंसकी जो है अब लीडर्स हमेशा फ़ायदे में होते हैं जेलेंसकी भी बहुत बेनिफिट हुआ है जेलेंसकी को सो so, द आइडिया इज़ कि अब सीरियसनेस के साथ सिंसियरिटी के साथ वॉर एंड करें बिकॉज लूज़र जो है इस पूरी वॉर में वो है यूक्रेन लूजर है यूक्रेन के भी जो आम जनता है ऑर्डिनरी पीपल है डे टू डे उनका लाइफ इम्पैक्ट हुआ है दे आर द सोर लूज़र जो इस पूरे यूक्रेन क्राइसिस में हुआ है स्टेट ऑफ प्लेन यूक्रेन दैन दिस इज इंडियाज चेंजिंग गोल पोस्ट ओवर कोल कोल का प्रोडक्शन कम हो गया मानसून दैन कोल का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया इलेक्ट्रिसिटी अब हमको कोल इम्पोर्ट कराना पड़ रहा है तो कोल इम्पोर्ट की बात है कोल से भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोल डिपेंडेंसी को कम करें ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है कोल पर बिकॉज कोल इन द एंड फॉसल फ्यूल है लिमिटेड टाइम के लिए है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग है नेचुरल गैस वगैरह सिक्सटी परसेंट देखें कोल इज़ वेरी वेरी पॉल्यूटिंग क्लाइमेट चेंज है तो अगेन फॉसिल फ्यूल का यूजेज कम करने की बात है तो द आइडिया इज कि हम इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं कि कोल डिपेंडेंसी कम करना है बट हम इसको ग्रेजुअली करेंगे फेज आउट नहीं करेंगे फेज डाउन करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो चीपर देन कोल होती है बट रिन्यूएबल एनर्जी के साथ प्रॉब्लम है वो कंसिस्टेंट नहीं है वो लाइक like विंड चल रही है बंद हो गई कभी सनलाइट नहीं आ रहा है रिलायबल नहीं है तो हमको स्टोरेज जैसे हमने कार्बन बनाने की बात किया था हमने हाइड्रोजन बनाने की बात किया था ब्लू हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन लाइक दैट सो कंसिस्टेंसी आ जाए तो दिस इज देयर इंडिया का चेंजिंग गोल पोस्ट ओवर कोल कोल का कंजम्पशन बढ़ गया है पावर सेक्टर में और इसीलिए हमको इंपोर्ट कराना पड़ रहा है कोल ऑल राइट इंडिया में मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कोल के थ्रू आती है डिफरेंस बिटवीन फिगर ऑन एंड फिगर आउट का क्या मतलब होता है फिगर ऑन का मतलब टू काउंट ऑन

ऑप्शंस चॉइस क्या होता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है आपके पास कोई चॉइस नहीं है पढ़ना है मतलब पढ़ना है वो भी फुल थ्रोटल पढ़ना है देर इज़ नो चॉइस Hobson's चॉइस इज़ absence ऑफ चॉइस सो यू हैव टू टेक what इज ऑफर्ड यू आर ऑफर्ड नो alternative कोई alternative नहीं है तो ये ऑप्शन है इंग्लिश ऐसा कैम्ब्रिज में रहता था ये घोड़े बेचता था जो घोड़ा पहला है वही खरीदना पड़ेगा आपको तो कोई चॉइस नहीं रहती थी तो इसलिए Hobson चॉइस अब जैसे टोबैको डे है मे थर्टी फर्स्ट तो यहाँ पे क्विज भी है टोबैको नो स्मोकिंग प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया पीएम केयर्स बेनिफिट फंड फॉर कोविड ऑफेंस देन दिस इज सी परजिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स अभी भी अलाउड नहीं होंगे रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑक्शन ऑफ पीएम मोदी नेट्स ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं बाहर जाते हैं विजिट में जाते हैं तो उनको गिफ्ट्स मिलते हैं गिफ्ट्स मिलते हैं कोई आर्टिफैक्ट हो सकता है सम सम एंटिटी हो सकता है आर्टिकल हो सकता है तो उसका यहाँ पे ऑक्शन हुआ और उससे इतने करोड़ आए और ये जाएगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट में मिस्टर शी बैक्स न्यू हॉगकॉन्ग चीफ टू मेनटेन ऑर्डर दिस इज नेपाल अनफॉर्चुनेट पेनफुल दिस क्रैश ंग रेंज रॉकेट फॉर यूक्रेन यूक्रेन के लिए जो नेटो है उसने इसको में नहीं दिया यूक्रेन नेटो सीधा के फ्रंट पे भी वॉर पे नहीं लड़ा बस वो वेपन सप्लाई कर रहे हैं इंटेलिजेंस दे रहे नो फाइट ऑन योर ओन नो लॉन्ग रेंज ब डायरेक्ट कंफ्रंटेशन हो जाएगा इसलिए रशिया के साथ अवॉइड कर रहे हैं एंड दिस इज द स्टेटमेंट बाई जो बाइडन पैसिफिक आयलैंड नेशन ने रिजेक्ट किया चाइना सिक्योरिटी पैक्ट Monkey pox won't turn into pandemic. दो साल पहले ऐसी एक हेडलाइन आई थी कि जो कोविड नाइनटीन है ये ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं हो रहा है दिस इज नॉट अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न और इसी इंस्टीट्यूट ने इस बात को बताया था सी रूमर मॉगरिंग अभी भी नहीं करना है सी स्टिल मैनी अनून अबाउट द वायरस तो डब्ल्यू एच ओ का भी फॉल्ट नहीं है वायरस इवॉल्व होता है हमें पता नहीं रहता वो किस डायरेक्शन में जाएगा There. बैंक प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट एडवांस कर रही है एटलीस्ट दो बैंक हैं जिसका प्राइवेटाइजेशन अभी होने वाला है सेंसेक्स गेंस वन पॉइंट नाइन परसेंट मोनसून इज गॉड ऑन सेट हेल्प लिफ्ट सेंटीमेंट्स दैन फिजिकल डेफिसिट सिक्स पॉइंट फोर परसेंट है इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो रहा है सात बट अभी भी सात प्रतिशत है आपको एफ डी में सात प्रतिशत नहीं मिल रहा है बैंक बैलेंस में सात प्रतिशत नहीं मिल रहा है बट इन्फ्लेशन सात परसेंट है मतलब जो जमा मनी है वो डिटीरियोरेट हो रहा है टाटा मोटर्स आर्म सिंग्स आनंद में अब टाटा मोटर्स इसको ओवरटेक कर रहा है आई आर डी आई टू अडोप्टैंड का मतलब क्या होता है टेल वॉट इज द मीनिंग ऑफ हिंटरलैंड और एक ड्राई पोर्ट होता है उसका भी क्या मतलब होता है आंसर सी एफ ओ इन फिफ्टी दिस इज नॉट अ गुड थिंग विमेन जेंडर बैलेंस होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन इज टू बीर नाइजीरियन एक्सपोर्ट इशू एंड दिस इज